कि नीतीश कुमार जी फिर से खेला कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम धीरे धीरे आने लगे हैं, लगभग लोकसभा सीटों का परिणाम आना शुरू हो गया है। तमाम लोगों का निगाहें लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पे टिका हुआ है और इसी बीच एनडीए का जो कि दावा था शुरू से ही चुनाव कैंपेनिंग के पहले से 400 प्लस का दावा कर रहे थे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज दावा फेल होते हुए दिख रहा है, 400 पार आने वाला नहीं है ऐसा मतलब अभी दिख रहा है। अभी के रिजल्ट के मुताबिक इंडिया गठबंधन जो कि है बिहार में काफ़ी अपना अहम भूमिका दिखा रहा है और अभी तक 299 सीटों से आगे एनडीए गठबंधन निकल रहा है और इंडिया भी जो कि है काफ़ी लड़ाई में है और बिहार में जदयू बीजेपी से आगे निकल रहा है, जदयू 14 सीटों पे आगे निकल रहा है और इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर भी दिया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से ऑफर चल रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनाने का इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया है और ऑफर भी किया है। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से खेला कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का जब से साथ छोड़े हैं नीतीश कुमार जी तब से तेजस्वी यादव भले ही उनका राजनीतिक विरोध किए हैं लेकिन उन पर अभद्र टिप्पा टिप्पणी नहीं किया है उन्होंने, ना ही उनके पार्टी के नेता लोगों का ऐसा टिप्पा टिप्पणी आया है। उन्होंने शुरू से ही गार्जियन बताते आया है, अभिभावक बताते आया है, हालांकि राजनीतिक विरोध किए हैं तेजस्वी जी लेकिन ऐसा अनर्गल बातें नहीं कहा है कि फिर से नीतीश कुमार जी आते हैं तो उनको कोई मतलब ऐसा साथ में रहने में कोई ये आपत्ति हो, ऐसा ऑफर जताया जा रहा है, ऐसा मतलब खबर निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार जी फिर से खेला कर सकते हैं और बीजेपी को सरकार बनाने में नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान का अहम रोल होगा। जैसा कि आपको हम बता दें कि 14 सीट जदयू का निकल रहा है और एनडीए का 299 सीट से आगे चल रहा है, बाकी तमाम जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे, देखिए आगे क्या कुछ होता है हम आपको तुरंत अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत